समर सीज़न ख़त्म होने को आया है और अब मुझे सूझ रहा है कि मैं पॉप्सिकल बनाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे मेरा सिर खा गए कि मम्मी पॉप्सिकल खानी है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, लेट तो लेट बना ही देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है पॉप्सिकल का मोल्ड और उसके अंदर डाला ये ब्लू खुरा को सिरप, और ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने उसके अंदर डाला है थोड़ा सा पुदीना का पत्ता जो मैंने गार्डन में उगाया था, और मैंने उसको सेट करने के लिए रख दिया था 4-5 घंटे के लिए, और ये मस्त सेट होके निकल गया। और ये कृष्णा का ट्रिक था कि उसको थोड़ा सा बाहर से गर्म करेंगे ना, हाथ में घिसेंगे तो ईजी निकल जाएगा। और ये देखो कितना मस्त उसका कलर आया है, एकदम स्काई ब्लू कलर, और टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। ओके बाय। गर्मियाँ चल रही है तो ठंडा ठंडा कोल्ड कोको मिल जाएगा तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो चलो आज बनाते हैं कोल्ड कोको। तो उसके लिए हमें लेना है एक जार, उसके अंदर डालना है 2-3 चम्मच इतना कोको पाउडर, 2-3 चम्मच शुगर, और यहाँ पे मैंने कॉफ़ी भी ऐड की है क्योंकि कॉफ़ी की वजह से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कॉफ़ी डालना है 1.5 स्पून, और अब फ्रीज़र में फ्रीज किया हुआ मिल्क लेना है और उसको भी जार में डाल देना है, और जार को बंद करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। फ्रीज किया हुआ मिल्क लेंगे तो हमारा जो कोल्ड कोको है वो एकदम थिक बनेगा। और ये देखो हमारा कोल्ड कोको रेडी है, उसको डाल दिया मैंने 2 सर्विंग ग्लास में, और उसके ऊपर से डाला है वनीला आइसक्रीम और थोड़ा सा स्प्रिंकल्स, चॉकलेट स्प्रिंकल्स। और ये देखो हमारा कोल्ड कोको कितना बढ़िया दिख रहा है, और खाने में भी और पीने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। ओके, वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब। ओके बाय।